वेलकम बैक एवरी वन दिस इज फैन बेस मैं हूं आकुल रायन. आज है गेम नंबर ट्वेंटी राइडर्स वर्सेस जमैका टैलेवाज की फिर से पूरा सीपीएल शिफ्ट हो गया है वापस टू तो ब्राइन लारा स्टेडियम टेरूबा ट्रिनेडाड में दोस्तों मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर पूछा था कि आप क्या डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं या मैं लाइव जाके आपसे बातें करूं एंड वहां पर आपको टीम दू 66% अभी तक लोगों कह चक सिक्सटी सिक्स लोगों ने कहा है कि प्लीज़ आप डिटेल्ड एनालिसिस दीजिए तो मैं हाजिर हूं दै यू गो हेड टू हेड रिकॉर्ड है आपके लिए पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है ट्रिन भागों इन जमेका के प्लेयर्स की प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं इस सीजन कैसा खेलते हैं एक दूसरे के साथ कैसा खेलते हैं इस ग्राउंड पे सब कुछ है प्लेइंग एलेवन क्या होगी वो भी है फैंटेसी ट्रिक्स है कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है फैंटेसी टीम्स है मल्टीपल टीम्स हैं एंड कल जब मैं लाइव गया था बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोग कितने लोग जीतते भी हैं वो टीम्स यूज करके सो इट फील्स रियली गुड तो कीप बिलो टेलिंग मी ऑल दिस एंड एंड है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है एंड पिछले क्वेश्चन का आंसर है जो आप में से बाय द वे किसी ने सही जवाब नहीं दिया उस पर बाद में आएंगे अभी हेड टू हेड पे चलते हैं नाइन एट है जुमे का लीड करता है वर्सेस ट्रिन बागो नाइट राइडर्स सत्रह गेम में एक गेम से आगे है अर्लियर द सीजन वेल ट्रिन बागो बीट जुमे का चेजिंग डाउन वन थर्टी सिक्स वेरी इजिल ऑफकोर्स ट्रिनबागो बीट दम बिकॉज ट्रिनबागो अभी तक अपने सारे मैचेस जीती है दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल क्या हुआ था उस मैच में जो मेगा डेवलपर्स ने बनाए थे वन थर्टी फाइव फॉर एट लेन फिलिप्स हुज बिन इन ग्रेट फॉर्म दिस सीजन स्कोर फिफ्टी एट दो विकेट ईच मिली थी सील्स को एंड अली खान को दोनों आई डोंट थिंक प्लेइंग इलेवन में आज हो गए बट देन टीके आर वन थर्टी सिक्स फॉर थ्री द मैन हू स्कोर द रन वॉर सुनील नारायण अब पता नहीं कहां पे है खेलेगा नहीं खेलेगा अभी पता नहीं मगर आंड्रेड रसल अगर देखा जाए जमैका टेलेवेल्स से जब ये दोनों टीम एक दूसरे के साथ खेलती है सबसे ज्यादा रन आंड्रेड रसल के हैं एंड सबसे ज्यादा विकेट्स भी आंड्रेड रसल की है पांच रन विद द बैट बीस विकेट विद द बॉल सो इज गोट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक ट दोस्तों ये भी इंजर्ड बैठा हुआ है पिछले दो मैचेस से सो लेट्स होप हीज फाइन एंड ही प्लेज टूडे लास्ट सीजन क्या हुआ था टीके आर ने टू सिक्सटी सेवन फोर टू मारे थे एक मैच में लिंडल सिम्स ने उसने मारे थे एटी सिक्स कॉलिन मेड्रो ने मारे थे नाइनटी सिक्स एंड वोडा हाई स्कोरिंग गेम दिस वॉज क्योंकि जमेका टालावाज ने इन रिटर्न भी दो सौ छब्बीस मारे थे एंड अगेन हू स्कोर द रन इट वॉज ग्लेन फिलिप्स विथ सिक्सटी टू बिफोर दैट Jamaica, फिर से हारी थी 169 सिक्सटी नाइन सिक्स ही मार पाई थी ओपनिंग कर रहा है जब नारायण नहीं खेल रहा है उसने 66 मारे थे उसके साथ नारायण ने भी रन मारे थे 46 and एंड दो विकेट भी ली थी नारायण ने लेट्स होप is playing today एंड रसल ने मारे थे 44 in इन रिटर्न मगर ऑफकोर्स हार गए थे अगर आप देखेंगे लास्ट फोर ओकेजन में लास्ट फाइव मैचेस में

टीके आर हैव द बैटिंग लोएस्ट वॉज वन वन एट जो मेकअ टैलेवाज के बोलर्स ने एमेजन वॉरियर्स गाना को एक सौ अठारह पे ऑलआउट किया था तो वो लोएस स्कोर रहा है इस ग्राउंड का डों नो अभी अब देखो ये फ्रेश पिच यूज़ करेंगे अगर फ्रेश पिच करेंगे यूज़ तो इट कुड हेल्प द बैट्समैन बिकॉज नया पिच थोड़ा फ्लैट होएगा बिकॉज एज द गेम्स कीप बींग प्लेड ऑन इट वो धीरे धीरे और स्लो होते रहता है एंड कम कम स्कोर बनेंगे बट ओवरऑल यहाँ का जो भी कहो जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के विकेट्स हैं वेस्ट इंडीज़ के विकेट्स स्लो हैं वेस्ट इंडीज़ में न्यू बॉल पावर प्ले में ज्यादातर रन आएंगे 11 से 20 ओवर एक्चुअली मुश्किल होने वाला है स्कोरिंग के लिए सो ऑफ कोर्स बिकॉज बॉल सॉफ्ट हो जाती है तो मुश्किल होता है बॉल डजेंट कम ऑन टू द बैट बॉल हैव टू मच बाउंस बिकॉज पिच इस थोड़े डेड है सो ऑफकोर्स पिक मोर ऑफ दिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन एंड एक्सपेक्ट करिए 150 तक बहुत ही ज्यादा कंपिटेटिव स्कोर रहेगा तो बात करते हैं ट्रिन बागों की टीम की जो अभी तक है so, Lossless, so, sahi matches. They have won all six of their games. They chased down 144 versus Guyana. They chased down 136 versus Jamaica. तो जो मैका को हरा चुकी है एक बारी देन दे स्कोर द हाएस्ट स्कोर ऑफ द सीपीएल वन एटी फाइव वर्सेज लास्ट ईयर चैंपियंस बारबेडोस अगेन द चेज डाउन रेन इफेक्टेड गेम में जूक्स के साथ एक अस्सी रन का स्कोर था आठ ओवर में एंड देन द चेज डाउन एक सौ बारह वर्सेज एमेजोन वॉरियर्स एंड देन पोलार्ड पावर पिछले मैच में बार्बेडोस के साथ वन फोर्टी एट इट वॉज सीमिंग दे लूज द मैच बट एक बार पोलार्ड केमेन ही वॉज अनस्टॉपेबल नौ बड़े छक्के मारे एंड आराम से ले गया वन फोर्टी एट के ऊपर दो विकेट से जीती थी वो मैच बट देआर शोइंग की हर मैच में कोई ना कोई खड़ा जरूर होता है तो कौन है की प्लेयर्स सबसे की प्लेयर कल बात हो रही थी लेंडल सिम्स की 539 हंड्रेड रन है 49 नाइन की एवरेज के साथ जमेका टालेवाल के साथ तो वहां से जरूर कॉन्फिडेंस लेगा पिछले मैच में भी इसने 30 कुछ रन मारे हैं आगे देखेंगे तो आई थिंक 32 टू रन मारे थे एंड मगर इस ग्राउंड पे देखिए बहुत खराब रिकॉर्ड है सेवेंटी थ्री रन है चौदह की एवरेज है बट अभी इसको बेस्ट ऑपरचुनिटी होगी अगर ट्रिम पहले बैटिंग करती है पिच थोड़ा नया होएगा पिच बॉल विल कम ऑन टू द बैट शुरू में सो ही हैज़ है ऑपरचुनिटी टू स्कोर रन अगर आज भी नहीं करेगा दैनाइल से बचे हुए मैचेस के लिए थोड़ा सा इसको छोड़ देना बाहर कॉलिन मन है दो डक्स इन रो मारी है इसने पिछले दो इनिंग्स में बट ही स्टार्टेड ऑफ द सीजन वेरी वेल प्लस ये देखिए जमेका टालेवास के साथ वन का स्ट्राइक रेट है इसका सिक्सटी की बैटिंग एवरेज है साढ़े रन है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी 320 रन है एट 53 की एवरेज इस ग्राउंड पे भी दूसरे ग्राउंड पे जाके क्वीन्स पार्क में जाके इसने दो डक मारी है बट उससे पहले एक 49 आउट और एक 49 और 50 था इस पे कारण पोलार्ड वेल क्या बोलू मजेस्टिक 72 था 28 बॉलों में 72 टू रन नॉट छक्के प्लस तीन रन है एक के स्ट्राइक रेट के साथ जो मैकेट के साथ नॉट बी इट इज एक्चुअली जे सो वेल पोलार्ड अगर बारी आएगी तो अच्छा ही करेगा डुएन रावो 206 रन 19 विकेट पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था आई थिंक विल बी बैक दिस गेम तो जुमेखर टालेवा इसके साथ अच्छा करता है 15 मैच में 19 विकेट और 200 रन है और 9 विकेट है आठ मैचेस uh, में इस ग्राउंड में और ये वाला जो पिच है ज्यादा इसकी बॉलिंग को भी सूट करेगा उसका भाई डारन रावो तीन रन इकतीस की एवरेज के साथ जुमेका के साथ वन नाइन्टी रन है अट्ठाइस की एवरेज स्ट्राइक रेट इतना खास नहीं है मगर ये 110, 120 वाले स्ट्राइक रेट ऐसे पिचेस पे जब 140 फोर्टी कंपेटेटिव स्कोर होता है इट डजेंट मैटर इट इज अ गुड थिंग ओनली सुनील नारायण 164 सिक्सटी 151 का स्ट्राइक रेट 15 विकेट 16 गेम्स में वर्सेस जुमेका टैलेवाज 10 विकेट इकोनॉमी रेट देखिए 5.1 का इस ग्राउंड पे सो so, अगर ये खेलेगा ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट पिक एंड अगर आपको याद है इसने हीज टू फिफ्टीज इन अ रो ऑन दिस ग्राउंड एट द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट इज वेल एंड तब वो विकेट काफी अच्छा था जैसे होपफुली आज होएगा अली खान है पिछले मैच में नहीं खेला मुझे नहीं लगता आज भी खेलेगा मगर आठ विकेट है छ मैच में जमैका के साथ एंड इस ग्राउंड पे भी उसके आठ विकेट है छः मैच में फवाद अहमद ही इज बीन इकोनॉमिकल इस टूर्नामेंट में मगर ज्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल ही इज अ लाइन एंड लेंथ Quick leg spinner. छह विकेट है पांच गेम्स में जमेका के साथ खेलेगा जरूर एक दो विकेट लेके चलो कि ये लेगा आज भी बारह विकेट है सात गेम में इस ग्राउंड में तो ग्राउंड पे अच्छा किया है दो विकेट पांच गेम में किसकी है खैरी खैरी पियर पियर की मगर इज मोर ऑफ अ रन सेवर तीन विकेट जरूर ली थी उसने पिछले से पिछले मैच में और मैन ऑफ द मैच मिला था मगर छह विकेट चार गेम्स में इस ग्राउंड पे भी है इसका एक्सपेक्ट करिए आपको वन ऑफ गेम में थ्री फोर विकेट ले सकता है मगर मेनली ही विल गिव यू फिगर्स ऑफ वन फॉर ट्वेंटी आई थिंक वेस्टेड

आइए आगे, आगे देखते हैं क्या होगी इनकी प्रिडिक्टेड इलेवन या तो सुनील नारायण या टी टी ऑन वेब्सर टी ऑन वेबस्टर के पांच सत्ताईस और पांच है तो ज्यादा रन नहीं है अभी तक लंडन सिमेंस सेवनटीन जीरो ट्वेंटी वन जीरो नाइनटीन थर्टी टू अगर आप नोटिस करेंगे बड़ी डक्स है अब इन दूसरी टीम का भी दिखाऊंगा मैं जब अभी बना रहा था काफी प्लेयर्स ने दो दो डक्स मारी हैं इसने देखो दो डक्स कॉलिन कॉलिन के हैं पिछले दो इनिंग्स में मगर उससे पहले रन जरूर आ रहे थे आई थिंक विल बी बैक विद सम रन्स टुडे डारन रावो लुक गुड 54 नॉट आउट 23 नॉट आउट 26 नॉट आउट तो ही इज डूइंग वेल इन दैट मिडिल ऑर्डर कायरन पोलाज 72 ऑफ 28 क्वेश्चन मार्क है बैटिंग आएगी या नहीं अगर आई तो ही विल डू वेरी वेल टीम साइफर्ट एक अच्छी इनिंग्स है बट ओवरऑल ठीक ठाक है अगेन uh, जैसे मैंने बोला टॉप ऑर्डर पर बैटर करता डुएन ब्रावो की जगह क्या खेलेगा अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है दो विकेट ली हैं पिछले मैच में बट डुएन ब्रावो इन अ वे फास्ट बॉलर से ज्यादा एक स्पिनर ही है क्योंकि इतनी स्लो बॉल्स डालता है सो मे बी दे विल गो बैक टू डुएन ब्रावो टुडे देन जेडन सील्स है जेडन सील्स इज बिन एक्सीलेंट वन विकेट टू विकेट वन विकेट एंड पिछले मैच में भी दो विकेट थी ही इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर द वेस्ट इंडीज टीम एज वेल अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप में भी इसने बारह विकेट ली थी आई एम वेरी इंप्रेस बाय दिस यंग मैन एंड आई एम श्योर जो एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं आप लोग भी जब खेल हैं यू आई इम्प्रेस बाय हम सो यू कैन पिक हिम इन योर टीम खैरी पेयर है खैरी पेयर वेल जैसे मैंने कहा तीन विकेट एक मैच में बट ओवरऑल जीरो विकेट वन विकेट वन विकेट तो वही वन फॉर ट्वेंटी टू वाला बोले रही है फवाद अहमद भी वैसा ही है वन 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 एंड अली खान या सिकंदर रजा आई होप सकंदर रजा खेले बिकॉज ही टुक टू विकेट्स इन द लास्ट गेम इज वेल एंड अगेन स्लो विकेट्स हैं रजा Well. So तो तो फॉलो करिए अगर अभी तक नहीं किया है. हम चलते हैं जोका के प्रीव्यू पे तब तक लास्ट आई थी सीपीएल में मगर अभी क्या चल रहा है रोवमेन पावल इनका कैप्टन है ही इज नॉट रियलीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ज्यादा रन नहीं आ रहे हैं दे आर थ्री विन्स एंड थ्री लॉसेज दे आर द टॉप फोर दे आर हंटिंग फॉर दैट टॉप फोर फिनिश एंड दे आर लुकिंग गुड टू डू दैट द चेज डाउन वन फिफ्टी नाइन सेंट लूसिया के साथ पहले मैच में देन सिर्फ 135 बनाए ट्रिम के साथ और हारी दे कुड नॉट चेज डाउन सिर्फ 118 का टारगेट था गयाना के साथ गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के साथ 118 का टारगेट था नहीं बना पाई देन अगला मैच भी गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के साथ था बोलर्स ने अच्छा किया उनको 109 पे रखा एंड वो चेज डाउन जरूर कर लिया देन 148 थे बारबेडोज के साथ चेज करने के लिए नहीं कर पाए मगर 147 बनाए सेंट किट्स के साथ एंड जीत गए उसको डिफेंड अच्छे से किया सो थ्री विंस थ्री लॉसेस एंड कौन है इनके की प्लेयर्स स्पेशली जो इस सीजन रहे हैं ग्लेन फिलिप्स ही इज बिन एप ब्रिलियंट अगली स्लाइड पे बताता हूं बहुत रन आए हैं ग्लेन फिलिप्स के इज डन वेरी वेल ऑफ ऑर्डर ही इज वन ऑफ दो रेयर न्यूजीलैंड बैट्समैन हु प्लेज वेल ऑन डेडर विकेट्स ऑफ लाइक वेस्ट इंडीज एज वेल 212 रन 35 की एवरेज 150 का स्ट्राइक रेट टीके के साथ अनागर मैंने आपको अभी पीछे हमने देखा था दोनों मैचेस में इसके रन आए हैं पिछले दो मैचेस में वर्सेस टीके आर एक रन है चौंतीस की एवरेज है इस ग्राउंड पे ग्राउंड इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि तीन ही मैच है इस ग्राउंड पे बट अगेन वॉट्स इंपॉर्टेंट इज एक का स्ट्राइक रेट थर्टी की एवरेज टीके के अगेंस्ट रॉमेन पावल सिर्फ सत्रह की एवरेज है और दो विकेट है टीके के साथ एक सौ तैंतीस के साथ एक हिंदी में क्या बोलते हैं एक तो वन थर्टी थ्री हुआ एक सौ रन के साथ एंड फिफ्टी रन है सिर्फ चौदह की एवरेज के साथ ऑन दिस ग्राउंड देन ड्रे ड्रे वेल ही इज ब्रिलियंट ग्राउंडीन रन फिफ्टी एवरेज मतलब 10 बारी आउट हुआ है इनके साथ सिर्फ और वो देखिए स्ट्राइक रेट देखिए 189 का स्ट्राइक रेट वर्सेस टीकेआर तो आई एम रियली होपिंग ही प्लेय टूडे एंड बीस विकेट भी है विद इस ग्राउंड पे 93 थ्री रन है और दो विकेट हैं तीन ही मैच है आसिफ अली फिनिशर है सिक्स हिटर है ही स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग मगर अब लेटली रन नहीं आ रहे हैं नहीं भी आ रहे बिकॉज ऑब्वियसली जो बिग हिटर्स होते हैं ऑफ द बॉल दे लाइक द बॉल कमिंग ऑन टू द बैट एंड द बॉल हैज नॉट बिन कमिंग ऑन टू द बैट एंड दैट इज बिन द प्रॉब्लम फॉर आसिफ अली देन है फीडेल एडवर्ड विकेट टेकर है ये सालों से खेलता आ रहा है एंड दो विकेट है तीन मैच में एक विकेट है दो मैच में इस ग्राउंड पे मगर ओवरऑल इसने इस सीजन अच्छा किया है पिछले मैच में भी आई थिंक दो विकेट थी आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं संदीप लामेचा ने एंड मैं नीचे जाना चाहता हूं मुजीबर रहमान ये आपके की प्लेयर्स होंगे वन पॉइंट फाइव लेता है संदीप लामेछा ने पर इनिंग्स में तो आपको वो ऑलमोस्ट दो विकेट हर इनिंग्स में डाल के दे सकता है दो विकेट दो गेम में है टीके आर के साथ बट ये पिच बहुत सूट करती है सेम मुजीब और रहमान को तीन गेम में छह विकेट है वर्सेस टीके आर एंड तीन गेम में तीन विकेट है सॉरी तीन थ्री विकेट हॉल्स हैं गुड वाइस कैप्टन फॉर यू एज वेल एर्मन ब्लैकवोर्ड जर्मन ब्लैकवर्ड के ज्यादा धन नहीं है वर्सेस टीके आर सत्रह की एवरेज है बट मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो ओवरऑल टी ट्वेंटी स्ट्राइक रेट है ना उसको थोड़ा ऊपर जाना होगा अराउंड सौ से कम है अभी बट ही नीड्स टू टेक इट टू वन ट्वेंटी वन थर्टी एट लीस्ट एंड देन वीरा स्वामी

लंबा खेलने वाला प्लेयर है चाहे वो 110 के स्ट्राइक रेट से भी खेले ऐसे विकेट पे यू नीड प्लेयर्स लाइक दैट इज वेल तो क्या है ग्लेन फिलिप्स लुक के दैट वॉल अ टूर्नामेंट 44, 58, मगर दो डक्स भी हैं बट उसके बीच में 26 और 79 नाइन नॉट आउट भी हैं बॉलर 30 नॉट आउट 31 वन भी मारे हैं सो इनिंग्स है अंडर इज बेल्ट जर्मन ब्लैकबोर्ड नंबर थ्री पे एक एंकर रोल खेल रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सो दैट्स गुड टू सी डॉमेन पावल ही सम बिग रन ऑल्सो इससे पिछले से पिछले सी पी एल में इसने बहुत अच्छा किया था बहुत रन मारे थे लेट्स होप वी गेट टू सी वन गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम टुडे आसिफ अली है जैसे मैंने कहा शुरू में ही स्टार्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्टी सेवन नॉट आउट मैन ऑफ मैच था ट्वेंटी टू फिर देखिए थ्री टू फोर्टीन फोर्टीन तो सारा रन नहीं आ रहे हैं कार्लोस ब्रैथवेट दो थ्री विकेट हॉल्स भी हैं इसके की प्लेयर्स में मैं इसको डालना भूल गया नहीं डाला है मैंने बट देखिए दो थ्री विकेट हॉल्स हैं इसके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड कार्लोज ब्रैथवेट ऐसा प्लेयर है कभी बैट से अगर इसका चल गया ना ये आपको जैसे आपने हमने देखा है पांच छक्के रो मार सकता है चार छक्के रो मार सकता है सो so तो ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर तो हो वही होएगा कि अगर आप अंड्रेड एस खेलेगा तो आप कार्लोस ब्राथवर्ट को इग्नोर करना अगर नहीं खेलेगा तो आपकी टीम में कार्लोस ड्राथवर्ट होना ही होगा 16 वन विकेट 25 फाइव जीरो विकेट फिर देखिए 52 टू नॉट आउट ट्वेंटी थ्री नॉट आउट तो बैट से ही वॉज जस्ट हिटिंग प्राइम फॉर्म जब इसको इंजरी हो गई है तो आई एम रियली होपिंग ही गेट्स फिट वॉल्टन को तो इग्नोर कर देना टू जीरो जीरो वन टेन वन जीरो वन कुछ रन नहीं है इसके ही इज फार फ्रॉम इज बेस्ट पर मॉल दो विकेट एंड दो विकेट तीन मैचेस में चार विकेट ली है इसने सो अगेन ही इज अ विकेट टेकर फिडल एडवर्ड्स है ये देखिए लास्ट तीन गेम में तो छह विकेट ले चुका है फिडल एडवर्ड्स संदीप लामिचा ने ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर वन विकेट वन विकेट टू विकेट वन विकेट टू विकेट टू विकेट तो ये एक रेगुलर प्लेयर होना चाहिए आपकी टीम में जो आपको पॉइंट्स दिलवा देगा मुजीब और रहमान टू विकेट्स वन विकेट्स ये देखिए मैं कह रहा था थ्री विकेट्स थ्री विकेट्स थ्री विकेट्स एंड देन वन विकेट इसने भाई देवे अठारह जब मारे थे दो या तीन छक्कों के लिए हमारे राशिद खान को मारा था सो तो अगर इसकी बैटिंग भी आई शायद थोड़े रन बार दे अब कैप्टन वाइस कैप्टन और एक्सपर्ट टिप आपके लिए क्या है आंड्रे रसल सुनील नारायण आई एम होपिंग दोनों खेलें ग्लेन फिलिप्स और लेंडिल सिमेंस जो जीएल में अच्छा कैप्टन बनेगा मुझे आज एक्चुअली फीलिंग है कि लेंडिल सिमेंस के रन आएंगे तो ये अच्छे कैप्टन ऑप्शन है वाइस कैप्टन में कायरन पोलार्ड है थोड़ा रिस्की है क्योंकि बैटिंग आ जाए या नहीं पिछले मैच में भी जब रन मारे हैं नंबर एट पे नंबर सेवन पे बैटिंग करने आया था ये डैरन रावो इज अ गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन मुजीब और रहमान अगेन थ्री थ्री विकेट्स अगर ले रहे गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन एंड कार्लोस ब्राथवेट ऑल्सो मेक्स अ गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन मस्ट हैव पिक्स कौन है आपकी अगर खेले सुनील नारायण कॉलिन मंडरो मस्ट हैव चाहे दो डक्स भी हैं ही कैन स्कोर रन वी नो दैट ही प्लेज वेल स्लोअ बॉलर्स के अगेंस्ट भी एंड अभी जो विकेट होएगी इट विल सूट हिम डुन रावो है डैरन रावो है ग्लेन फिलिप्स आंड्रे रसल संदीप लामे छाने मुजीब उरहमान कैरन पोलाड ये मस्ट हैव पिक्स हैं आपकी टीम के लिए जी एल में जो लोग इग्नोर हो जाएंगे वो कौन है बॉनर ही कैन स्टिल स्कोर रनस कार्लोस ड्राथफेट एक ऐसा प्लेयर है जो तीन विकेट ले सकता है बड़े रन भी मार सकता है बट आई फील थोड़ा इग्नोर रहेगा इन मोस्ट टीम्स आसिफ अली है लेंडल है खेरी है and है क्या है पेयर एंड साइफर्ट क्या एक्सपर्ट टिप आप लोगों के लिए दोस्तों टॉप ऑर्डर ज्यादा लेना क्योंकि जो होता है हार्ड बॉल के साथ रन मारना ज्यादा ईजी होता है सो ट्राई टू हैव सम मोर टॉप ऑर्डर बैट्समैन इन योर टीम अब देखते हैं क्या मैंने आपके लिए टीम्स बनाई है इस बारी ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपर होना ही होना है रोवमेन पावर लिया है एंड मनरो डरिन रावो लेंडल सिमंस पोलार्ड सिकंदर रजा ये मेरे ऑलराउंडर्स तक है एंड खैरी पेयर भी है मेरे पास देन आंड्रे रसल है संदीप लामिछाने हैं एंड मुजीब और रहमान भी है अब अगर ये तो एक बहुत अच्छी टीम है यहां आप अगर मैं, अब कैप्टन ऑप्शन देखें जीएल खेलेंगे तो लेंडल सिमंस को बनाना सेफ है फिलिप्स और रसल वाइस कैप्टन में पोलार्ड है जादरान है मुजीब और रहमान मतलब एंड कॉलन मन्रो भी है ये तीनों प्लेडी सेफ वाइस कैप्टन ऑप्शन है पोलार्ड थोड़ा रिस्की है क्योंकि बैटिंग आए या ना आए अब अगर रसल नहीं खेलता क्या करोगे आप रसल की जगह कार्लोस ब्रैथवेट को डाल देना एंड अगर ये होता है देन आप सिकंदर रजा को भी बाहर करके डोएन रावो को ले आना टीम में क्योंकि अभी कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं चेंज करने के लिए तो रसल नहीं खेलता तो क्या करोगे कार्लोस ब्रैथवेट के लाके सिकंदर रजा की जगह डोएन रावो को भी ले आना कैन गो फॉर आसिफ अली ओवर अ रॉवमेन पावर एज वेल रिस्क फैक्टर सेम है फवाद अहमद ओवर अ खैरी पेयर मैंने यहां पर जीएल रखा है बट मैं भी बोलूंगा इधर भी रिस्क फैक्टर सेम ही होगा डायरेन रावो की जगह आप टीम साइफर को जीएल में जरूर ला सकते हैं एक्स्ट्रा विकेट कीपर प्लस वो कैचेस से आपको पॉइंट सिलवाएगा प्लस अगर बाई चांस वो थर्टी नाइन जैसी थोड़ी जल्दी बैटिंग आ गई तो हो सकता है पॉइंट सिलवा दे तो यहां पर आपको तीन टीम मिल चुकी है एक ही टीम के अंदर अब दूसरा एक जो टीम है यहाँ पे क्या है ऑलराउंडर्स देखिए रसल नारायण ब्रावो यहां पे बैट्समैन देखिए डैरन ब्रावो मस्ट है लेंडल मस्ट है जर्मेन ब्लैकवुड एंड बॉनर को डाल दिया है थोड़े से रिस्कियर हैं ये दोनों एंड ग्लेन फिलिप्स मेरा विकेट कीपर फिक्स है बोलर्स में जादरान है फीडल एडवर्ड्स को ले आयो और खैरी पेयर को ले आयो लामे छाने की जगह तो यहाँ पे आपकी मर्जी है सेफ़र होएगा अगर आप फीडल एडवर्ड्स की जगह लामे छाने को लें अगर थोड़ा सा रिस्कियाँ खेलना चाहते हैं तो फीडल एडवर्ड्स को भी ले सकते हैं वो एक दो विकेट्स ले सकता है अगेन अगर रसल नहीं खेलेगा ब्राथवेट को ले लेना अगर सुनील नारायण नहीं खेलेगा पोलार्ड को ले लेना अगर वो दोनों भी खेलेंगे एंड थोड़ा और रिस्कियाँ खेल सकते हैं खेलना चाहते हैं आप तो ब्राथवेट और पोलार्ड को आप नारायण और रसल के जगह भी खेल सकते हैं और ये कंप्लीटली एक नई टीम बन सकती है ऑल्सो अगर बहुत रिस्की खेलना चाहते हैं जी एल में जैसे बिल्कुल एडवांटेज चाहते हैं मगर वो डिसएडवांटेज भी हो सकती है इज अगर आप नारायण की जगह एक सिकंदर रजा जैसे प्लेयर को खिला दें क्योंकि वो कोई नहीं लेगा उसको ऐसे इन शेड ऑफ ए नारायण अगर वो खेले डिपेंडिंग ऑन हाउ स्लो द विकेट इज जैसे मैंने कहा है आप एडवर्ड्स की जगह फिडेल एडवर्ड्स की जगह परमॉल को भी ले सकते हैं अगेन उसने दो विकेट दिया है पिछले मैच में सो so आप परमॉल को ले सकते हैं या लमे छाने को ले सकते हैं इन शेड ऑफ फिडल एडवर्ड्स आसिफ अली फॉर बॉनर एंड पावल फॉर ब्लैकवुड सेम सेफर ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है बट सेम ही रिस्क फैक्टर होएगा दोनों में कैप्टन कौन है इस टीम में आई एम होपिंग अगर ये सारे प्लेयर्स खेलें देन सुनील नारायण आंड्रेड रसल एंड लेंडल सिमन एंड जीएल ये ये आपके बहुत अच्छे कैप्टन ऑप्शन बनते हैं वाइस कैप्टन में ब्रावो के जो दोनों ब्रदर्स हैं वो दोनों में से किसी को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं थोड़ा सा डारिन ब्रावो सेफर होगा डुएन ब्रावो थोड़ा सा रिस्कियर अब दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया यूट्यूब पे फॉलो करिए टेलीग्राम पे कितनी बातें होती है टेलीग्राम पे सारी टीम्स मैच से पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है तो टेलीग्राम पे फॉलो करिए फैन ब्लेज सर्च करिए टेलीग्राम में नीचे बाय द वे डिस्क्रिप्शन में नीचेग्राम का लिंक भी दिया हुआ है प्लीज फॉलो राइट नाउ डाउनलोड द फैनलेज ऐप ऐप मैंने देखा कुछ क्रैश नहीं हो रही थी आप प्लीज फैन ब्लेज सर्च करिए गूगल स्टोर पे जाके एंड डाउनलोड करिए एंड सी फॉर योर सेल्फ एन अमेजिंग ऐप इट इज अब दोस्तों विच टीम एंड इन विच अच्छा बाई देवे पिछली बार मैंने आपसे क्या पूछा था मोस्ट कैचेज आईपीएल टू थाउजेंड नाइनटीन में किसकी थी आप सबने बस गूगल सर्च की और वहां पर आया फाइव डुप्लीसी बारह कैच थी आप सबने वो ही डाल दिया दोस्तों सबका गलत जवाब था सबका गलत जवाब सही जवाब था आईपीएल ट्वेंटी नाइनटीन में ऋषभ पंत की सोलह मैच में अठारह कैचेज थी एंड ही वॉजिंग कैच टेकर ऑफ दूर्नामेंट किसी ने सही जवाब नहीं दिया अब दोस्तों ये वाले ध्यान से सुनना वर्सेस विच टीम किस टीम के अगेंस्ट डेविड मिलर ने 38 बॉल सेंचुरी मारी थी किस टीम के साथ मारी थी और कौन से साल में मारी थी आईपीएल में तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड द फैन फैमिलीज ऐप सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए अब प्लेयर कौन मुझे लगता है अच्छा खेलेगा मुझे लगता है आज लेंडल सिमेंस के रन आएंगे मुझे लगता है आज खैरी पियर विकेट लेगा फॉर टीके ग्लेन फिलिप्स के रन आएंगे फॉर जमेका टेलेवाज एंड संदीप लामेछा ने की विकेट सोएंगी वर्स इज द बैटिंग ऑफ टीके आर विनर कौन है फीलिंग आ रही है कि जमैका चार इन रो हारने के बाद आज फाइनली जीतेगी और टीके आर को उनकी पहली हार देगी इस टूर्नामेंट की अगेन दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको कौन लगता है टीके आर के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रहेंगे जो के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेंगे एंड आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज तो लेट द गेम्स बिगिन अब मैं बैठता हूं अगले मैच के वीडियो बनाने के लिए विच इज इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान सी यू गाइज इन दैट नेक्स्ट वीडियो